स्टूडेंट अभी हमने प्रीवियस क्या किया मनोवा यूज़ किया यूजिंग एस पी एस एस अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको मनोवा एस पी एस एस में फाइंड करना बताऊंगी कि हम मनोवा कैसे एस पी एस एस में फाइंड कर सकते हैं सेम वही एग्जाम्पल है वही डेटा हमारे पास है कोडिंग भी वही है उसको हम एस पी एस एस में परफॉर्म करने लगे हैं ओके स्टूडेंट दिस इज द एस पी एस एस विंडो फिर इज द डेटा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड दीज आर दी कोर्ट्स आपको याद होगा कि कोर्ट्स हो? हमारे पास वन कितने टाइम्स था वन वी हैव सिक्स टाइम्स हेयर इज दिक्स टाइम वन कोर्ट टू हमारे पास है देन टू कोड किया हमने ग्रुप टू को थ्री कोड किया है ग्रुप थ्री को एंड फोर फॉर दी ग्रुप फोर टोटल पेशेंट्स कितने थे फोर्टी फाइव पेशेंट टोटल हमारे पास फोर्टी फाइव पेशेंट्स होगा फर्स्ट अब हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं हमने इसमें के चेक करना है देन हमने बॉक्स टेस्ट यूज करना है बॉक्स टेस्ट किसके लिए इक्वालिटी ऑफ को वेरियंसिस के लिए बिट अक्रॉस ग्रुप। सो गो टू एनालाइज, देन जनरल लीनियर मॉडल एंड द मल्टीवेरिएट। सेम ये हमने कमांड्स वहां पे लिखी हुई थी एनालाइज जनरल लीनियर मॉडल एंड द मल्टीवेरिएट सो क्लिक दिस सो फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल में हमने क्या लेके जाने हैं अपने वेरिएबल x1 x2 x3 और फिक्स फैक्टर में हमारे पास आने हैं कोड्स ठीक है डिपेंडेंट वेरिएबल में x1 x2 x3 एंड फिक्स में कोड सेम यही हमने प्रीवियस देखा है देन गो टू दी ऑप्शन और ऑप्शन में हमने ओवरऑल कोड्स को डिस्प्ले मीन्स मिले गए फर्दर यहाँ पे हमने किस चेक करना है होमोजेनिटी टेस्ट मोजेनिटी टेस्ट हमने देखनी है कहाँ से आएगी बॉक्स टेस्ट से होमोजेनिटी 95 परसेंट कॉन्फिडेंट है और सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 पे हमने चेक किया गो दी कंटिन्यू एंड ओके सो हेयर इज दी आउटपुट वी हैव वन कोड फॉर सिक्स टू फोर्टीन थ्री फिफ्टीन एंड फोर टेनिस सो दिस इज दॉक्स टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ को वेरियंस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हमारे पास आई थी सेवेंटी एग्जाम्पल में सिग्निफिकेंट यहाँ पे सिग्निफिकेंट लिखा है और मैंने वहां पर उसको पी वैल्यू लिख दिया था सो द टेस्ट दोस दैट दर्व को वेरियंस मेट्रिक ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल आर इक्वल अक्रॉस ग्रोप्स दिस इज द

सिग्निफिकेंट रिजल्ट मल्टीवेरियर टेस्ट हमने यूज कर लिया सेम यही रिजल्ट हमारे पास प्रीवियस एग्जाम्पल में थे नेक्स्ट हमने वहां पर क्या चेक किया था के एमओ अब के एम ओ हम कहा से डिटर्मिन कर रही हैं ना गो टू दाइज डायमेंशन रिडक्शन एंड देन गो टू दैक्टर कहाँ से हम के एम ओ फाइंड कर रहे हैं अगेन चेक द एनालाइज क्लेक डायमेंशन रिडक्शन एंड द फैक्टर अब यहां पे आपके पास कौन से वेरिएबल हैं वेरिएबल वन टू थ्री इसको हम वेरिएबल्स में ले गए हैं देन हमने क्या चेक करना है जी के एम ओ जस्ट हमने के एम ओ बाटले टेस्ट ऑफ फेर सिटी को क्लिक किया देन गो टू दी कंटिन्यू एंड ओके सो हेयर इज दी के एम ओ एंड बाटले टेस्ट के एम ओ आपको क्या बताता है बेसिकली सैम्पलिंग एडुकेसी पॉइंट सिक्स नाइन फोर रिमेंबर हमारे पास जो रिजल्ट था वहां पे वो भी यही था पॉइंट सिक्स नाइन जिसको मैंने आपको कहा था पॉइंट सेवन हम कह सकते हैं मॉडरेट हमारे पास सैम्पलिंग शो हो रही है द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज थ्री एंड द कास्ट कियर वैल्यू इज वन ओ सिक्स पॉइंट एट जीरो थ्री सेम वही रिजल्ट है एंड हेयर इज द सिग्निफिकेंट और हमने यूज किया था पी वैल्यू विच इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री सो स्टूडेंट्स अभी हमने परफॉर्म किया है एस पी एस एस मनोवा हमने एस पी एस एस पर परफॉर्म किया बेसिकली उसमें पहले तो हमने जस्ट ये चेक करना है जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ रही है जो डेटा आ रहा है उस डेटा के ऊपर हमने कौन सा अनालिस यूज़ करना है तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमें लग रही थी कि ये मनोवा की एग्जाम्पल है हम यहाँ पे मल्टीवेरियट एनालिसिस ऑफ वेरियंस यूज कर सकते हैं और मल्टीवेरियड एनालिसिस ऑफ वेरियंस हमने यूज़ किया बॉक्स टेस्ट हमने चेक किया है देन हमने इसमें सैम्पलिंग एडिक्यूसी के एम ओ चेक किया अब हमें ये रिजल्ट बेसिकली बॉक्स टेस्ट विल्क्स लेम्डा हमने वहाँ से विल्क्स लेमडा को डिटर्मिन करके कहा कि ये बेसिकली शो क्या कर रहा है कि ऑन एवरेज जो आपके पास फोर बेसिकली ग्रुप्स हैं पर डे के अकॉर्डिंग जो हम उसकी वैल्यू डिटर्मिन कर रहे हैं या पर डे एवरेज स्कोर हम डिटर्मिन कर रहे हैं वो डिफर कर रहे हैं देर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी ग्रुप्स दिस इज द Conclusion of the particular example.